ताराबोध में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ताराबोध में मैं आप सभी के साथ हमारे नित्य जीवन में आने वाली छोटी मोटी कठिनाइयाँ, जिसके कारण हमें डिप्रेशन, स्ट्रेस, कोई काम ठीक से ना कर पाना, हमारे जीवन में रोज़मर्रा के जीवन में हम जो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं या तो नहीं करते हमारे सामने, लेकिन हमें उसकी उपयोगिता पता नहीं है, वो सब चीज़ों के बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी बहुत स्ट्रांग रहेगा, जिसका ज्योतिषीय दृष्टिकोण, जिसका ज्योतिषीय आधार भी है, वैज्ञानिक आधार भी है और जिसकी लॉजिकल आधार भी है। तो हम तुलसी माता से शुरुआत करेंगे। हमारी सदियों पुरानी परंपरा अनुसार हम सभी लोग तुलसी का पौधा घर में रखते हैं और पहले तो ऐसी प्रथा थी कि हर घर के सामने, हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा होना अत्यंत आवश्यक था। यह तुलसी का पौधा सिर्फ, इसमें आयुर्वेदिक गुणधर्म नहीं है, औषधीय गुणधर्म नहीं है, परंतु यह सकारात्मक ऊर्जा फैलाने का काम करती है और नकारात्मक ऊर्जा खुद में यह खींच लेती है, क्योंकि इसमें साक्षात विष्णु का अवतार है। जब भी हम सत्यनारायण की पूजा घर में बिठाते हैं, जब भी सत्यनारायण की पूजा करते हैं, उस वक्त विष्णु जी को सिर्फ और सिर्फ 1000 पत्ते तुलसी के चढ़ाए जाते हैं, तभी सत्यनारायण की पूजा संपन्न हुई, ऐसे कहा जाता है। जैसे हम केले के पत्ते वहाँ लगाते हैं सत्यनारायण पूजा में, वैसे ही तुलसी का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो दोस्तों, तुलसी का पौधा अगर आपने नहीं लगाया है तो तुरंत लगा दीजिए। घर के पर्टिकुलर साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व कोना और जो आपका उत्तर पश्चिम कोना है यानी कि साउथ वेस्ट कोना है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा तुलसियाँ लगाइए, ताकि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। तुलसी के पौधे जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो कम से कम 3 या 5 तुलसी के पौधे आप चबा लीजिए। अगर आपकी ज़बान आपको साफ़ रखनी है तो थोड़ी सी मिश्री ले लीजिए, जिसे खड़ी शक्कर बोलते हैं, मिश्री और तुलसी के पत्ते चबा लीजिए। और सुबह अगर आप चाय नहीं पीते हैं तो आप तुलसी के पत्ते का काढ़ा पी सकते हैं। तुलसी के पत्ते और थोड़ी अजवाइन अगर आप पानी में डाल देंगे और अगर उसको बॉईल करके उसका पानी पी लेंगे तो आपका गला भी साफ रहेगा और पूरे दिन आपको तरोताज़ा महसूस होगा। लेकिन यह कंसिस्टेंटली और रिलीजियसली आपने करना है। एक दिन किया तो तुरंत इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि यह जो हमारे पुराने उपचार है, यह समय लेते हैं लेकिन यह हमेशा के लिए हमें फ़ायदा देते हैं। तो दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में ले आइए, तुलसी लगाना ना भूलिए। तुलसी सिर्फ हमारी माता ही नहीं, लेकिन तुलसी में बहुत ही गुणधर्म छुपे हुए हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले एपिसोड में मैं आपसे कुछ और विषय के बारे में शेयर करूँगी। धन्यवाद। सबका मंगल हो।